मुगल बादशाहों की क्रूरता के आपने कई किस्से सुने होंगे। हिंदू महिलाओं की आबरू को मुगल केवल भोगने की चीज मानते थे और उन्हें कैद कर अपने हरम की शोभा बढ़ाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ गया जब मुगलों की बहु बेटियों की इज्जत सरे आम नीलाम होने लगी। मुगल बादशाहों में समलैंगिकता की प्रवृत्ति आम थी। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक लौंडों की शोहबत को पसंद करते थे, लेकिन जब मुगलों की ताकत कमजोर पड़ने लगी तो उनके इस प्रवृत्ति के खिलाफ लोग खड़े होने लगे, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भुगतना पड़ा। इस बादशाह को समलैंगिकता की कीमत अपनी बहु बेटियों की नग्न परेड को देख कर चुकानी पड़ी। ज़ाबिता खान जब रुहेलखंड का सरदार बना तो उसे अपने बेटे गुलाम कादिर को जमानत के तौर पर बादशाह के दरबार में रखना पड़ा। गुलाम कादिर इतना खूबसूरत था कि हर शहजादी और बेगम उसे अपने निकट देखना चाहती थी। उसने मुगल हरम की कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी बना लिए थे। जल्द ही इसके बारे में शाह आलम को भी पता चल गया। उसने गुलाम कादिर को बंदी बना लिया। शाह आलम ने उसके लिंग कटवा कर उसके साथ यौनाचार किया और उसे समलैंगिक सरदारों में बांट दिया। अपमान और पीड़ा से भरा गुलाम कादिर किसी तरह भाग कर रुहेलखंड पहुंच गया। उसने अपनी सेना को संगठित कर शाह आलम पर हमला बोल दिया। उसने शाह आलम के 19 बेटों को जेल में ठूस कर प्रताड़ित करवाया। उसने लगभग 2.5 महीने तक मुगलों को अपने कब्जे में रखा, शहजादों को कोड़ों से पिटवाया और शहजादियों का यौन शोषण किया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि रोहिला ने मुगल बादशाह शाह आलम के सारे बेटों पोतों को औरतों के वस्त्र पहना कर नचवाया और अपने फौज के मनोरंजन के लिए उनका इस्तेमाल किया। शहजादियों के कपड़े फाड़ डाले और उन्हें नंगा कर यौन शोषण किया। इसके बाद भी उसका जी नहीं भरा तो उसने शाह आलम की आंखें फुड़वा दी और उसे कैद खाने में डलवा दिया। जैसे ही मराठा महादजी शिंदिया को यह सब पता चला, उन्होंने पुणे में बैठे पेशवा की अनुमति लेकर दिल्ली की तरफ खुद मार्च किया और यहाँ की कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया। रोहिल्लों ने लाल किले में जो भी किया वो उन्हें 18वीं शताब्दी के सबसे क्रूर विलेंस में से एक बनाता है। गुलाम कादिर को महादजी सिंधिया ने धर दबोचा और उसे उसके किए की ऐसी सजा दी गई कि दुनिया के सामने एक मिसाल बन सके।